कैसे आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लैंडिंग पेजेस वर्सेस वेबसाइट। लैंडिंग पेजेस आपको क्यों क्रिएट करने चाहिए, किन कंडीशंस में क्रिएट करने चाहिए, और लैंडिंग पेजेस को क्रिएट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन से फ्री टूल्स हैं जिनके साथ में आप लैंडिंग पेजेस, अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आपके खुद के डोमेन पे। जैसे कि मैं मेरे वेबसाइट्स वगैरह के लिए हमेशा फ्री टूल का इस्तेमाल करता हूं लैंडिंग पेजेस डिजाइन करने के लिए, और 100% SEO जो है उसके ऊपर में आप कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को जो है 50 लाइक तक पहुंचाना है, और जो है मुझे मिनिमम जो है 15 से 20 कमेंट जो है आने चाहिए, तो मैं आप लोगों को लाइव ऐसे टूल्स बताऊंगा जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं मेरे पास में लैंडिंग पेजेस को डिजाइन करने के लिए। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। माय नेम इज मंजीत सिंह एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंडिंग पेजेस होते क्या हैं। तो लैंडिंग पेजेस जो है बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लैंडिंग पेजेस बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। लैंडिंग पेज एक ऐसे स्पेशल पेज डिजाइन किए जाते हैं किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर सर्विस को टारगेट करके। यानी कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट है तो पूरी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आपके पास में होती है, आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, आपको ये प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर आपकी कोई सर्विस है, आपकी सर्विस क्यों लेनी चाहिए, आपकी सर्विस में क्या बेस्ट है, तो ये जो है आपके बारे में पूरा एक पर्टिकुलर सर्विस या फिर आपके प्रोडक्ट को टारगेट करके डिजाइन किया गया जो प्रोडक्ट एक पेज है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेजेस जो है वो क्यों क्रिएट करने चाहिए ये बात करें, तो लैंडिंग पेजेस इसलिए क्रिएट करने चाहिए क्योंकि हम एक ऐसा सिंगल पेज ही बनाते हैं जहां पे हम सिंगल प्रोडक्ट को या सर्विस को टारगेट करके बना रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो भी टारगेट ऑडियंस हमारी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए हमारी वेबसाइट पे, हमारे लैंडिंग पेज पे आया है, तो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को ही फोकस रख के जो है इस पे एक्शन ले। कॉल टू एक्शन का बटन हम उसके अंदर ऐड करते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर प्रोडक्ट है तो बाय करना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है हम यहाँ पे बिल्कुल इंटीग्रेट करते हैं इसके अंदर। सो ये एक सिंपल डिटेल है अबाउट दी लैंडिंग पेजेस। अब वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेबसाइट आपकी पूरे कुछ मल्टीपल ग्रुप ऑफ पेजेस जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं, जिसमें हम एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है लिस्ट करते हैं, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं, और वहीं पे अगर हम सर्विसेज लेके चल रहे हैं तो सर्विसेज भी हम मल्टीपल सर्विसेज को बताते हैं, और वहां पे हर सर्विस का एक अलग पेज भी हो सकता है, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा डिटेल में हम जो है चीजों को इंटीग्रेट नहीं करते। वहां पे अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस पेज होता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह, गैलरी या फिर आपके टेस्टिमोनियल्स वगैरह, ऐसे कई सारे पेजेस जो है एक साथ मिलके जब एक आपस में इंटरलिंक कनेक्ट करके जो एक पूरा रेडी होता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट जो है वो लैंडिंग पेजेस से क्यों डिफरेंट है, क्यों लैंडिंग पेजेस की जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया तो हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को जो है फोकस करके आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज पे आया, लेकिन क्योंकि जैसे ही आपकी वो वेबसाइट पे आता है या आप, तो वो क्या हो कि मल्टीपल लिंक अवेलेबल है उस आपकी वेबसाइट पे, तो वो आपके किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ में भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसे में उसके लिए डिसीजन लेना जो पर्टिकुलर जिसके लिए वो आया था उसको छोड़ के अगर किसी दूसरे पे फोकस हो जाता है तो माइट भी वो जो है कंफ्यूज हो सकता है, तो हो सकता है कि वो आज जो है एक्शन ना ले और फिर कभी एक्शन लेने की सोचे, और ऐसे में हो सकता है कि वो जो आपकी वेबसाइट को भूल जाए, फिर किसी दूसरी वेबसाइट से जो है वो परचेस कर ले। तो इसीलिए हम लोग जो है लैंडिंग पेजेस को ज्यादा टारगेट जो है करते हैं आज की डेट में, सो दैट कि हम पर्टिकुलर सेल्स या प्रोडक्ट को जो है हम टारगेट करके कस्टमर को एक ही फोकस पॉइंट पे रखें और ज्यादा से ज्यादा जो कन्वर्जन जो है वो हम यहां पे कर सकें। सो गाइस, ये एक सिंपली जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा। अगर आपको लगता है कि लैंडिंग पेजेस जो है फ्री के टूल्स के साथ में प्रोफेशनल लुकिंग पेजेस जो है कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो टारगेट मैंने दिया 50 लाइक्स का, और कमेंट जो है 15 से 20 के बीच में कोई भी कमेंट्स आ गए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को लाइव आकर यहां पे बिल्कुल आपको लाइव फ्री में सारे फ्री के टूल बताऊंगा कौन कौन से आपको इस्तेमाल करने हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा फ्री में कि किस तरह से आप जो है लैंडिंग पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। पूरा लैंडिंग पेज आपके सामने डिजाइन करूंगा सो दैट कि आपको इन एंड आउट सारी चीजें पता चल सके। सो गाइस, फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। Till then, stay safe,
गुड बाय।